हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे गेमिंग चैनल मोहित पालीवाल गेमिंग में। और आज का ऐसे हम लोग करने जा रहे हैं 1v1 M24 का TDM मैच फाइट। तो जो ये TDM का चैलेंज है ये मेरे एक टीममेट ने दिया जिसका नाम है रिच फिनिक्स। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैच स्टार्ट हो गया, तो अब भाई लोग करते हैं अपना मैच में फुल ऑन धमाल। वैसे एक बात बताना चाहूँगा, ये जो हमारा प्यारा सा भाई अपना फिनिक्स, ये इतना बड़ा कैंपर है ना गाइस, इसके साथ M24 खेलो M4 खेलो सब में कैंपिंग करता है। तो देखते हैं इस मैच में ये क्या ही करता है, कैंपिंग करता है नहीं। वैसे इसने बोला था चैलेंज देने से पहले कि मैं कैंपिंग नहीं करूँगा, तो भाई चलिए देखते हैं। तो अभी तो भाई अपना 1 किलो, अरे भाई ओ ओ पी भाई, मैं भाई बोल रहा था रिकॉर्डिंग के साथ तो भाई ने मार दिया। कोई नहीं, 1v1 का स्कोर हुआ है गाइस। तो फिर से चलते हैं भाई के पास, और कैंपिंग कैसे मना किया है कि ये कैंपिंग नहीं करेगा, तो उम्मीद तो यही है। चलो कोई नहीं, 1v2 स्कोर हुआ है, हम लोग आराम से इतना तो हम लोग बैकअप निकाल सकते हैं भाई, पूरा मतलब निकाल लेंगे इतना, इसको कोई ज़्यादा नहीं। अभी तो मैच स्टार्ट हुआ है। तो भाई बताना चाहूँगा, ये अपनी टीम का जो है बहुत ही प्यारा सा भाई, मतलब अच्छा खेलता है फिनिक्स, अच्छा असॉल्टर है, स्नाइपर है, और सबसे अच्छी बात जो है गाइस ये मेरे स्क्वाड का सबसे प्यारा सा मेरा फेवरेट बंदा है, बिकॉज ये बहुत ही बढ़िया कॉमेडियन है। हमारी टीम में सबसे ज़्यादा जो हमको मजे आते हैं इसी बंदे की वजह से आते हैं। तो देखते हैं भाई लोग ये मैच हम लोग जीतते हैं नहीं। तो भाई M24 में अभी तो लौंडा सही खेल रहा है और कैंपिंग भी नहीं कर रहा है, तो अच्छा स्कोर ठीक है, खेलने में मजा आ रहा है। देखते हैं भाई, चलो एक बॉडी पर। ओके तो अपना स्कोर हो गया गाइस यहाँ पे बराबर 3v3, और मेरी आदत है कि M4 या M24, बट गाइस मुझे बिल्कुल भी कैंपिंग पसंद नहीं है। अगर मेरी 1 HP भी होती है तो भी मैं बंदे के पास ही जाता हूँ मारने के लिए। तो भाई अभी जैसा कि अपनी 1 HP फिर भी अपन आ गए। अरे भाई चिपका दिया लौंडे ने, सही जा रहा है भाई, लौंडा सही खेल गया। तो 3v4 का स्कोर हो गया है, और फिर से चलते हैं अपने भाई फिनिक्स बाबा को फेलने। भाई बॉडी बड़ा साले को ये लेफ्टी, ए भाई इतना स्लाइड क्यों मारता है, मैंने इसको टिप्स दी भी थी, टिप्स और ट्रिक्स भाई, कि M24 के मैच में कभी भी ज़्यादा स्लाइड मत मारा कर, बहुत प्यार से एम सेट होता है। लेकिन लौंडा ये देखो कैंपिंग साले ने स्टार्ट कर दी मेरे को लगता है। अबे पता नहीं कहाँ ही चला गया भाई ये बंदा, फायर देता हूँ स्कॉर्पियन से, अब देखते हैं। अरे 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 भाई अबे साले, मैं स्कॉर्पियन से लोकेशन मार करा था, कितना कमीना बंदा भाई, मौका नहीं छोड़ता लौंडा बिल्कुल, मतलब मौका मिलना चाहिए चांस तुरंत ही ले लेता है। साले ने एक स्कोर कर लिया, चलो कोई नहीं 4v5 का स्कोर है गाइस। फिर से देखते हैं अब तो बाहर तो निकला होगा भाई, चलो 5v5 का स्कोर हो गया गाइस। ये बंदा मतलब भाई मेरे को लगता नहीं, देखो मैं फिर घर पे जा रहा हूँ। चलो अभी तो कैंपिंग नहीं कर रहा है, जब तक ये कैंपिंग नहीं करना कब तक करता ना गाइस, बहुत अच्छा मजा है वैसा खेलना। और जब ये कैंपिंग करना चालू करता ना तो इतनी गंदी कैंपिंग करता है यार। चलो अभी तो सही खेल रहा है, अभी तो फुल जोश में खेल रहा है लौटना भाई, मतलब आज लगता है भाई ये पूरा मूड बना के आया कि आज तो एस भाई को हरा के आऊँगा। चैलेंज दिया भाई लौंडे ने ओपन। अरे 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 भाई बढ़िया खेल रहा है यार, कुछ भी 7 किल कर लिएगा इस लौंडे ने। चलो अब इतना जंप मत करा कर भाई मेरे, कितना जंप मारेगा। अरे 1 HP छोड़ा साले ना। अरे भाई भाई एक तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम ना थोड़ा सा भाई स्लो भी हो जाता है मेरा मोबाइल, लेकिन ये सब मैं एक्सक्यूजेज बहानेबाजी नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब एक्चुअल में बहाने एक्सक्यूजेज होते हैं। स्लो होता है तो मेरी प्रॉब्लम है बिकॉज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बट गेम प्ले भी लौंडे का अच्छा। तो भाई देखते हैं ये मैच हम जीतते हैं नहीं। फिर स्लाइड मारा साले, कितना स्लाइड मारेगा। अरे भाई स्कोर तो लौंडा अच्छे करते आ रहे भाई, 5v9 का स्कोर हो गया, 5v9 का। साले पे बहुत लीड हो गई भाई, और M4 भी नहीं है जो जल्दी जल्दी लीड कवर हो। सॉरी गाइस। ओके अरे भाई 5v10 भाई, क्या कर रहा है लौंडा, क्या बात है। अभी इसको लग रहा है गाइस, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी इसको लग रहा है कि ये एक्चुअल में खेल रहा है, मैं जान बुझ के इसको खेल दे हूँ ताकि ये थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए, कैंपिंग अपना जैसे नहीं करके भी नॉर्मल खेल रहा है, ऐसी खेले जो कि अगर मैं इसको स्टार्टिंग में मारना चालू करता तो ये बहुत गंदी कैंपिंग करना चालू कर देता। तो भाई आप करते हैं इसको खेलना चालू, क्योंकि 6 की लीड ऑलरेडी इसके पास हो गई है, बहुत ज़्यादा है। और भाई अब अगर हमने इसको लीड दी ना 1v2 पॉइंट की अगर ज़्यादा, तो भाई फिर मेरे को दिक्कत आ जाएगी जीतने में। तो भाई इस करते हैं पेलना शुरू लौंडे को, घुसते हैं इसके घर में। ये भाई उसी मना लौंडे भाई, हमको कैंपिंग नहीं आती है, हम तो सीधे घुस के मारते हैं। साले कितना स्लाइड मारेगा भाई, स्लाइड ऑफ करा कर फिनिक्स साला, पता नहीं और तो माइक रखे हुए है कि नहीं। देखो 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 लौंडे की स्लाइड, देखो बस स्लाइड भाई, कहते जहर वाली स्लाइड मारते ही लौंडा, पता है।
तो भाई हम तो यहीं भटके, ये देख कैंपिंग चालू कर दी साले ने अभी भी, जबकि कमीने के पास भाई इस बंदे के पास अभी भी देख रहे हो ना 8-11 मतलब 3 पॉइंट की पूरी पूरी की पूरी लीड है, फिर भी देखो साला ये देखो चल मर गया लूगा भाई। अब देखो अब इसकी कैंपिंग देखना कैसा, अब इसने कर दिया कैंपिंग चालू, इसको समझ में आ गया कि भाई एस पी आ गए फॉर्म में, अभी साला कैंपिंग ये देखो भाई। मैं तो इसकी गाड़ी पर सामने ही रहूँगा, इसके घर के पास ही गए, हटूंगा ही नहीं यहाँ से, निकलेगा ना भाई यहाँ तो निकलेगा ना, आगे नहीं आएगा, यहाँ तो पेलूंगा मैं तुझे। चल वापस जा तो गाइस अपना स्कोर हो गया 11 vs 11 भाई, स्कोर हो गया सेम। और ये देखो अब मतलब देख लो मैं कहाँ पे खाऊँ, फिर भी इसको निकलने में ही दिक्कत है भाई, ये बंदा अब कैंपिंग मोड में आ चुका है अपने, जैसे अच्छे मोबाइलों में, जैसे ये देखो चलो चिपका दिया कोई नहीं, जैसे अच्छे मोबाइलों में एक मोड होता है ना कि भाई गेम मोड, उसमें जाते हैं तो वॉइस चेंज होती है, ऐसी इसके अंदर एक कैंपिंग मोड है, जब इसका स्कोर डाउन होता है कैंपिंग मोड पे चले जाता है। चलो भाई 2 पॉइंट की लीड फिर से ले ली इसने, चलते हैं गाइस, हमको ये मैच जीतना है कुछ भी हो जाए, इससे तो नहीं हारना, नहीं तो ये साला कॉमेडी करना पूरे मैच में, उसमें मेरी कॉमेडी करेगा भाई। अरे गया बढ़िया बच गया, इसको उसके घर में घुस के मारते भाई, घर से जब तक हम लोग यहाँ पे दूर रहेंगे तो ये साला फिर कैंपिंग कर लेगा, फिर लोकेशन भी नहीं देता कि है कहाँ पे, एकदम से निकल के मारेगा, इसलिए इसको निकलते ही फेलते हैं। अरे यार बच गया सेट, ये दिख रही भाई कैसे स्लाइड मारा है, फिर गोल गोल घूम के, तो लग रहा है जैसे कद्दू को ढोलक बना के लौटा दिया हो, चल मेरी ढोलक ढुमक भाई कैसे स्लाइड मार, ये देखो भाई अब नहीं निकलेगा घर से बाहर, साले घर से बाहर निकला कर भाई, इतनी कैंपिंग करके कहाँ जाएगी, देखो फिर स्लाइड, देखते ही साला स्लाइड आधे से ज़्यादा तो मैच ये बंदा ना स्लाइड की वजह से आता है, ये देखो देखा इसको इतनी बार समझाया कि भाई स्लाइड में बहुत प्यार से एम सेट होता है, स्लाइड मत मारा कर, लेकिन फिर भी स्लाइड मारने की आदत है इसकी, अब कितनी स्लाइड मारेगा नूबड़े। अब भाई इसको यहीं रह के पेलते हैं ना, कुछ भी हो जाए यहाँ से निकलने नहीं देंगे, यहीं पेलते जाएंगे। ये देखो साला अब तो घर से बिल्कुल ही नहीं निकल रहा, अब तो अंदर ही घुस के बैठ गया भाई कैंपिंग मोड ऑन हो गया भाई इसका अब इसके मोबाइल में 600 Hz का वो आ गया रिफ्रेश रेट कैंपिंग मोड चालू इसका। अरे भाई फिनिक्स भाई क्या कर रहा है ब्रो, बाहर है ना साले, मैं तेरे घर में आके आ रहा हूँ, तेरे बिल्कुल जहाँ पे तू स्पॉन होता है वहाँ पे, हद है भाई यार, बोला था तूने कैंपिंग नहीं करूँगा फिर कैंपिंग चालू कर दिया, भाई मार दिया इसको साले ने भाई। एक तो माइक भी ऑल पे नहीं रख के बिल्कुल सीरियस मोड में खेल रहा लौंडा कैंपिंग करता, चलो आगे आया देखो गया बेचारा भाई अब इसके अंदर खौफ है भाई कि अगर मैं कैंप नहीं करूँगा तो बहुत गंदा मरूंगा, इसलिए कैंपिंग चालू कर देता है। अरे एक बॉडी पड़ा, एक बस गया, अरे भाई बच गया, अरे 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 भाई कैसे मिस हो रही है मेरी बुलेट, गया। चलो 18v14 का भाई रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ वो देखो पीक लेकर बैठा कहीं से कमीना, देखो देखो भाई कितना गंदा पीक लेकर बैठा हुआ है अंदर कैंपर कहीं का, कैंपिंग मोड तुरंत ही चालू होता है जैसे इसका स्कोर डाउन होता है, साला कैंपिंग मोड चालू कर देता है। चलो कोई नहीं गाइस चलते हैं उसको फिर से पहले, चलो आया बाहर तो आया कम से कम अपने घर से भाई पहले रुक्षा भाई कहाँ तक बचेगा, डेफी डक आ गया भाई, डेफी डक इज कमिंग फिनिक्स भाई। गाइस जिन लोगों को नहीं पता डेफी डक क्या, एक्चुअली एक कार्टून शो था पहले, कार्टून नेटवर्क पे आता था, मेरा फेवरेट था डेफी डक, तो मेरा जो पहले आईडी था नाइटविंग उसमें मैं इसमें भी है एक डेफी डक का सेट आया होता, तो मैं भाई डेफी डक वाला हेडगियर पहन के खेलता था, और इनके साथ मेरे जो टीममेट है 1v3 करता था, तो भाई ये लोग इतना गंदा हारते थे पहले जब मेरा मोबाइल थोड़ा सही था, अब तो इसकी डिस्प्ले जो है बोक हो गई है टूट गई है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती, तब भाई इन लोगों के अंदर मैंने डेफी डक का खौफ भर दिया था लौटनों के अंदर इसको जब भी बोलता हूँ डेफी डक इज कमिंग इसकी हालत ख़राब हो जाती है भाई। अरे कहाँ गया अभी भाई, दो बता मेरे 19 है इसके 17 है, अबे तुझे 2 किल करने हैं साले, चले एक तो हुआ भाई, 45 सेकंड बचे हैं बे, अब कैंप मत करना, हेलो आवाज़ आ रही है तो, साला डिस्कॉर्ड पे भी नहीं सुनता है भाई, गलत ही बंदा है, देखो फिर कैंपिंग साले 34 सेकंड में क्या ही कैंप करेगा बे भाई मेरे कैसे पीक लेके बैठा हुआ यार कसम से बे, जैसे मेंढक नहीं भाई मधुमक्खी के लिए जीप खोल के बैठे रहता है, जैसे ही आती है एकदम जीप मार के लपक लेता है हार गया गया बेचारा भाई, इतनी गंदी कैंपिंग के बाद भी हार रहा है फिनिक्स, छी वे कुछ तो कर भाई, कम ऑन फिनिक्स कम ऑन मार फिनिक्स भाई इसके मजे ले रहा हूँ तो। चलो पहला वेस्ट ने बचाया, 6 सेकंड बचे हैं, जल्दी है साले
कैंपिंग मत करने लगने तो हार जाएगा ये। वो मैं सेंटर में आ यहीं पे पे। अबे भाई भाई तू हार गया क्या? अबे फिनिक्स कैंपिंग के बाद भी तो गाइस ये बंदा हार गया। तो अगर आपको हमारा 1v1 अच्छा लगा और आपने देखा हो कि कैंपर को कैसे हराया जाता है, तो गाइस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोहित पालीवाल गेमिंग गाइस।